जेसीपी की एस ऑनलाइन कैसे फॉरवर्ड करते हैं एचआरएमएस पर, तो उसके लिए सबसे पहले चेकर पे एचआरएमएस पे लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जिस एम्प्लॉय की ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजनी है, सबसे पहले उसकी सर्विस बुक डाउनलोड करेंगे। यहाँ रिपोर्ट के ऊपर जाएंगे, रिपोर्ट में जनरल रिपोर्ट के सामने ये ऑप्शन आएगा आपके पास, एम्प्लॉय बेसिक डिटेल सर्विस बुक। तो यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन कंप्लीट सर्विस बुक ऑफ एम्प्लॉय रिपोर्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे उसका डेजिग्नेशन सेलेक्ट करेंगे, जो भी उसका डेजिग्नेशन होगा। आपने सर्विस बुक कंप्लीट डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद उसके हर पेज पे स्टंप साइन करने हैं, जो करंट का डीडीओ है वो स्टंप साइन करेगा उसके ऊपर, और उसको एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके एक सिंगल पीडीएफ में सारे पेज कलेक्ट कर लेने हैं स्टंप साइन के साथ। उसके बाद उसकी एपीआर, करंट डेट तक जितनी भी एपीआर हैं, वो सारी ऑनलाइन एचआरएमएस पर अपलोड करनी है। अपलोड करने के बाद जब हम डेस्कटॉप पे, देखिए मैंने ये सेव कर लिया है, ये इसकी सर्विस बुक यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। तो इसके हर पेज पे स्टंप साइन करने हैं, करने के बाद उसको एक पीडीएफ फाइल में डेस्कटॉप पे इस तरह से सेव कर लेना है। सेव करने के बाद अब हम ऑनलाइन रिक्वेस्ट डालते हैं। देखिए यहाँ पे क्लिक करके मैंने सर्विस बुक डाउनलोड कर ली है इस एम्प्लॉय की। करने के बाद अब हमें क्या करना है, एसीपी लगाने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे, ये सामने वाले ऑप्शनों में ऑर्डर जनरेशन के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे नीचे एसीपी का ऑप्शन मिलेगा, सामने एसीपी के तीन ऑप्शन आ रहे हैं, एसीपी इनिशिएट, फॉरवर्ड और ऑर्डर जनरेट। आपको दो वाले ऑप्शन करने हैं, एसीपी इनिशिएट करना है और उसको फॉरवर्ड करना है। सबसे पहले एसीपी इनिशिएट करते हैं। अब यहाँ से हम पेई कोड से भी सर्च कर सकते हैं और इन ऑप्शन से भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डायरेक्ट पेई कोड डाल रहा हूँ और उसको सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इनिशिएट न्यू एसीपी किया, यहाँ पे ग्रुप रूल और डेजिग्नेशन सेलेक्ट किया, तो यहाँ एम्प्लॉय का डेजिग्नेशन यहाँ पे ओपन हो गया। तो अब हमें क्या करना है, जो पीडीएफ हमने सर्विस बुक डेस्कटॉप के ऊपर सेव की थी, डाउनलोड करके स्टंप साइन कराने के बाद जो पीडीएफ बनाई है, उस पीडीएफ को आपने कहाँ यहाँ पे अपलोड करना है, जहाँ पे लिखा है साइंड सर्विस बुक ऑफ एम्प्लॉई। अब यहाँ पे हमें ये सर्विस बुक है जो अपलोड कर देनी है। उसके बाद ये देखिए इनका नाम डाटा चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पे आपने एसीपी स्केल सेलेक्ट करना है जो उसका बनता है। वो स्केल डालने के बाद ये रिफ्रेश होगा पेज। उसके बाद यहाँ पे आपने उसकी जो पे है वो सिलेक्ट करनी है, और जो नेक्स्ट लेवल की पे बनती है उसकी वो सिलेक्ट करनी है। जो जो जिस इंक्रीमेंट के बाद आप एसीपी लगा रहे हैं, वो कैलकुलेशन करने के बाद उसकी एंट्री यहाँ पे करनी है। एंट्री करने के बाद यहाँ पे डेट भर देनी है, किस डेट से पेंडिंग है, ऑटोमेटिक ही उठा उसको ये, नहीं तो आपने डाल देनी है। तो सर्विस बुक यहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद चली गई है, तो दोबारा से अपलोड कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे एसीपी फर्स्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ व्यू से आप समरी सीट देख सकते हैं इसकी, नहीं तो इसको सेव कर दें। अगर लीजिबल नहीं होगा तो इस तरह से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा कि वो एलिजिबल नहीं है। अगर एलिजिबल है तो उसकी रिपोर्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, अभी व्यू साइंड फाइल आ जाएगी। यहाँ पे आपने सर्विस बुक अपलोड करने के बाद ये सेव वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, ये जो यहाँ पे इसके नाम के साथ सेव का ऑप्शन है, यहाँ से इसको सेव कर देंगे। जैसे ही सेव करेंगे हम, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव करने के बाद आपने सेकेंड वाले ऑप्शन पे जाना है, जहाँ से हमें हमने ये एसीपी लगाई थी। एसीपी इनिशिएट करने के बाद एसीपी फॉरवर्ड, जैसे ही हम फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये प्रोसेस ओके, फिर से उसी पेज पे जाएगा। वहां से हमें सिर्फ केस तीन ऑप्शन मिलेंगे आपको, वहां पे बीओ, डीओ और डीएससी।
आप जिसको भी